छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इतने बड़े घटनाक्रम का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया, जब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे ट्रेलर करार दे दिया। वहीं इसी बीच एमपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बीजेपी में हाशिए पर चल रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट देखी, एमपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी खबर। पूर्व मंत्री दीपक जोशी छोड़ सकते हैं बीजेपी का दामन, पूर्व मंत्री दीपक जोशी थाम सकते हैं कांग्रेस का पंजा, कांग्रेस को मिल सकता है प्रदेश में बड़ा ब्राह्मण चेहरा। काफी दिन से सियासी पंडित कह रहे थे कि बीजेपी में टिकट के दावेदारों की संख्या पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब की बार काफी ज्यादा है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि इसी रस्साकस्सी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीजेपी को बाय बाय कर कांग्रेस का पंजा थाम सकते हैं, जिसको लेकर वो आगामी 6 मई को फैसला लेने वाले हैं। इन अटकलों को जोर इस बात से भी मिल रहा है कि उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक और आरिफ अकील से भी मुलाकात की थी। तारीख को दीपक जोशी के फैसला लेने की अटकलों के बीच बताया जा रहा है कि 5 मई को उनकी पत्नी की पुण्यतिथि है, जिसके चलते वो अगले दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके पीछे उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की अनदेखी की भी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसकी झलक कुछ दिन बाद दिखाई दे जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।